नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं फन वी टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, पहले तो हैप्पी दशहरा इन एडवांस। दोस्तों, इंडिया में जो दशहरा है वो 2 दिन के बाद यहाँ पे मनाया जाएगा, 19 अक्टूबर 2018 को। और दशहरा में इस साल शायद कुछ मज़ा आने वाला है। तो गाइस, जहाँ मैं रहता हूँ लखनऊ में, वहाँ पे तो रावण जो है वो बन रहा है बहुत ही कमाल का। और आई होप आप लोग के आसपास के घर भी, मतलब घर में आसपास भी, या फिर आप लोग खुद भी रावण बना रहे होंगे। तो गाइस, ज़रूर रावण बनाइए। और ये बहुत ही कमाल की बात है, क्योंकि राम जी ने रावण को मारा था। तो गाइस, जो मेरा मेन टॉपिक है, जिसका मैंने थंबनेल भी लगाया, आपको पता होगा कि थंबनेल क्या लगा है, आप देख सकते हैं। थंबनेल में लिखा हुआ है, दिवाली की ऐसी एक चीज़ जो आपको नहीं करनी चाहिए दिवाली में। तो गाइस, आज बात करेंगे इसी एक चीज़ के बारे में, और मैं आपको बताऊँगा ये कौन सी चीज़ है जो आपको दिवाली में नहीं करना चाहिए या फिर नहीं करना है, जो कि आप अपना माइंड मेकअप अगर कर लेते हैं तो आप शायद इसे ना करें, और इसमें आप लोगों का भी फायदा होगा और कुछ हद तक नेचर का भी फायदा होगा। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जिसकी मैं बात कर रहा था, जो वो पॉइंट था जिसमें आप जो चीज आप करेंगे और दिवाली में आपको नहीं करना है, मैं आपको बता देता हूं। दिवाली में आप पटाखे मत जलाइए, ये मेरा पॉइंट था, मेन पॉइंट। आप दिवाली में पटाखे मत जलाइए, क्योंकि पटाखों की वजह से नेचर बहुत हार्मफुल हो रहा है, एयर पोल्यूशन बहुत हो रहा है, पूरे चारों तरफ एयर पोल्यूशन हो जाता है, फिर बहुत लोग बीमार पड़ जाते हैं। और इस वक्त जो इंडिया की अभी इस वक्त जो चल रही है स्थिति, उसमें आपको हॉस्पिटल्स भी ज़्यादातर लोगों को नहीं मिलते हैं। जो गरीब लोग होते हैं या फिर जो काफ़ी रिच पर्सन भी होते हैं, उनको भी हॉस्पिटल नहीं मिल पा रहा है इस वक्त। और अगर इस वक्त में अगर आप लोग पटाखे फोड़ेंगे तो एयर पोल्यूशन बहुत होगा, एयर पोल्यूशन से स्वाइन फ्लू, ऐसे बहुत सारे डिजीज फैलेंगी। उससे फिर क्या होगा, जितने भी लोग हैं उनको कुछ ना कुछ डिजीज हो सकती है, उसके बाद फिर आप लोगों के लिए भी हार्मफुल हो जाएगा। और दोस्तों, इसमें दूसरी चीज़ जो दूसरे नेचर का जो इसमें नुकसान होगा, मैं आपको बता देता हूँ। एनिमल्स की बात करते हैं तो गाइस, एनिमल्स आपके एक तरीके से दोस्त हुए। जैसे कि आप अगर बात करते हैं काऊ की, तो काऊ से आपको मिल्क मिलता है, और अगर आप पटाखे जलाते हैं तो उनकी ईयर जो सेंस है उसमें बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। काऊ की बात कर लेते हैं, डॉग की बात कर लेते हैं, ये दोनों आपकी तरफ, आप एक पेट इनको यूज़ करते हैं, बहुत लोग काऊ का मिल्क यूज़ करते हैं, और जो डॉग होता है वो आपके एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप उनके लिए कुछ ना कर पाए तो बहुत ही शर्म की बात होगी। और दोस्तों, इस दिवाली मैं चाहता हूँ आप लोग एक विदाउट ट्रैकर मतलब एक फ्री हैंड एकदम दिवाली मनाइए। लाइट्स लगाइए, चाहे जितनी लाइट लगानी है लाइट्स लगाइए, दिया जलाइए, और भी और अपने दोस्तों के घर जाइए, मिलिए, उनको गिफ्ट दीजिए, और गिफ्ट तो वापस आपको भी मिल जाएंगे, तो ये एक कमाल की बात हो जाएगी। और उसके बाद फिर कोई ज़रूरी नहीं है कि पटाखे जलाइए, अगर आप पटाखे जलाते हैं तो इसमें आपका नुकसान होगा, नेचर का नुकसान होगा, क्योंकि और किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। तो गाइज, मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस दिवाली तो पटाखे मत जलाइएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो समझ आ रही हो तो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा और पटाखे मत जलाइएगा। एंड गाइज, हैप्पी दिवाली एडवांस में बोल देता हूँ, क्योंकि दिवाली जो है वो अभी नवंबर में है, थोड़ा टाइम है, इसीलिए सेटल हो जाइए, अपने दो बगल बगल की दुकानों में जाइए, पटाखे खरीद लीजिए। और फिर गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। बहुत लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं, समझ तो लेते हैं, और उनको वीडियो समझ भी आती है, अच्छी भी लगती है, लेकिन बेल आइकन और सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते हैं। तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, नीचे जो दिल में आए वो कमेंट कर दीजिए, या फिर कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लीजिए। उसके बाद फिर आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।